हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रावतपुरा सरकार एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज। माई सेल्फ सोहन चौरसिया, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी आरी झांसी। डिस्कस करेंगे कि आपके ब्रेन में हुए न्यूरोकेमिकल इम्बेलेंस को बैलेंस करने के लिए आपके कौन कौन से ड्रग किन किन पाथवेज किन किन रास्तों को अडॉप्ट करने वाले हैं, ठीक है, कि वो कैसे आपके इम्बेलेंस्ड न्यूरोकेमिकल हार्मोन रिलीज या न्यूरोकेमिकल रिलीज को वो आपके प्रॉपर रिलीज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो भैया ठीक है, हम बात करते हैं अपने एंटी साइकोटिक ड्रग। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि साइकोटिक्स है क्या, साइकोटिक्स में आपके है क्या, आपके बेसिकली क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडॉल और फ्लुपेंथाइजोल, ठीक है। ये क्या है आपके, ये ड्रग्स ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या काम करने वाले हैं, आपके D2 रिसेप्टर्स को कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज करने वाले हैं। मीन्स टू से कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको डोपामाइन के सीक्रेशन को कम करना है, क्योंकि जैसा कि हमने कल देखा हुआ था अपने अंतिम वीडियो में कि साइकोसिस में क्या है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ डोपामाइन और मोनोअमाइंस, क्या था, मोनोअमाइंस का जो भी लेवल था आपके ब्रेन में बढ़ रहा था, ठीक है। उसके दौरान आपके बॉडी में क्या क्या या आपके माइंड में कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे, वो बहुत तरीके के चेंजेस थे, जैसे कि आपका अनकंट्रोलेबल स्पीच और थिंकिंग और मूड स्विंगिंग वगैरह वगैरह, ऐसे आपके सिम्टम्स आ रहे थे, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो रहे थे, आपके डोपामाइन और मोनोअमाइंस के हाइपर सिक्रेशन की वजह से, या फिर उनका अमाउंट आपके ब्रेन में एक हद से ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो अब इन्हीं के अमाउंट को आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडॉल, डोमपेरिडॉल और फ्लुपेंथाइजोल, ठीक है। ये आपके कौन से ड्रग्स है, ये है आपके टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ये आपके ड्रग्स हैं। और ये क्या करने वाले हैं, आपके लिम्बिक रीजन में, आपके ब्रेन के लिम्बिक रीजन में D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले हैं। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से जो भी न्यूरोकेमिकल रिलीज होने वाला है वो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने वाला है। वो क्यों, चूंकि उन रिसेप्टर्स पे हमने कौन से अपने ड्रग से वो खाली जगह ऑक्यूपाई कर ली है, और जब आपका प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज डोपामाइन और मोनोअमाइंस पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे बाइंड नहीं होंगे, तब तक वो अपना एक्शन नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है भाई, जो आपके ब्रेन में बड़ा हुआ डोपामाइन और मोनोअमाइंस का कंसंट्रेशन है वो अपने आप टाइमली कम हो जाना है, ठीक है। अगर बात करी जाए आर्टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की, आर्टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स मीन्स टू से सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, ये क्या थे भाई, ये आपके D4 रिसेप्टर, आपका जो डोपामाइन है, ठीक है, डोपामाइन के D4 रिसेप्टर्स को और सेरोटोनिन को ब्लॉक करने वाला है 5-HT2, ठीक है। तो ये आपके दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाला है। ये कैसे हैं, इनके पास भाई D2 रिसेप्टर्स को, तो क्योंकि D2 इज अ मेजर रिसेप्टर, ठीक है, D2 इज अ मेजर रिसेप्टर फॉर डोपामाइन, बट यहाँ पे क्या है, D4 ये आपके जो क्लोजापाइन और रेस्पेरिडॉन, ठीक है, ये आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ये D4 को ब्लॉक करते हैं। D4 इज अ बीकर डोपामिनिक रिसेप्टर, ठीक है। देन आफ्टर अगर बात करी जाए आपके मोनोअमाइंस या फिर सेरोटोनिन्स, तो ये उसे भी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये इन दोनों से द्वारा होने वाले एक्साइटेशन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, और आपकी साइकोसिस को कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपके सेरोटोनिन एंड डोपामाइन के एक्शन को या रिलीज को रोकते हैं, इधर वाय रिलीजिंग प्रीसाइनेप्टिकली और वाय इनहिबिटिंग पोस्ट साइनेप्टिकली, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर बात करी जाए आपके, ठीक है, एंटीमैनिक एजेंट्स की, तो एंटीमैनिक एजेंट्स बेसिकली आपके वाइडली अवेलेबल एंटीमैनिक्स हैं वो बहुत ही कम है, जैसे कि आपका लिथियम कार्बोनेट, सोडियम बेलप्रोएट, कार्बामाजीपाइन, यही आपके कुछ एंटीमैनिक एजेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। लेकिन ये अपना असर कैसे करते हैं या ये काम कैसे करते हैं, तो अगर बात करी जाए तो आपका जो लिथियम है वो क्या करने वाला है, आपके बॉडी में और आपके ब्रेन में क्या है, सोडियम को रिप्लेस करने वाला है, सोडियम को रिप्लेस करने वाला है, वो भी कैसे, इक्वली,
ठीक है, ये इक्वली आपके ब्रेन में सोडियम को रिप्लेस करने वाला है, किससे? लिथियम से, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर वेट और देखा जाए चार्ज, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा बराबर नहीं है, वो कैसा है? अनइक्वली, ठीक है। तो ये क्या करने वाले हैं आपके, ठीक है, रिलीज ऑफ नोरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन, रिलीज ऑफ नोरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन को इनहिबिट करने वाले हैं या फिर रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका डोपामाइन का सीक्रेशन कम हो जाना है और आपका जो भी मूड स्विंगिंग, आपका एंटी मैनिक या मैनिया क्या है, बाइपोलर डिसीज और मूड स्विंगिंग, या इसमें क्या है, आप मतलब अपना मूड स्विंग होता है ना। और तो ये आपके कार्बामाजीपाइन, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम बेलप्रोएट, ये क्या काम करने वाले हैं, ये आपके डोपामाइन और नोरएड्रेनालिन को रिलीज को कम करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे क्या होने वाला है कि आपके डोपामाइन और नोरएड्रेनालिन का कंसेंट्रेशन आपके ब्रेन में कम होने वाला है और आपको एक्साइटेटरी और जो भी इन दोनों से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट हैं वो नहीं आने वाले हैं। अगर बात करी जाए हेलुसिनेजन्स की, तो हेलुसिनेजन्स क्या है आपके, अगर उन्हें बिल्कुल अपनी ही भाषा में समझा जाए तो भैया वो है आपके भांग, चरस और गांजा, जिन्हें आप कलेक्टिवली मारिजुआना बोलते हैं, ठीक। भांग, चरस और गांजा, मारिजुआना, उनका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहने वाला है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड, ठीक है। कैनाबिस से प्राप्त होने वाला एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो क्या है आपका, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉइड, और वो आपको मतलब एज अ मारिजुआना, सच लाइक भांग, चरस, गांजा, ठीक, इनके रूप में आप उन्हें लेते हैं, ठीक है। और ये आप इधर यूज बाय स्मोक और विद द हेल्प ऑफ निकोटिन, ठीक है, ये आप ऐसे कंज्यूम करते हैं। तो ये आपको क्या करते हैं, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और आपके दो तरीके के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, कौन कौन से, CB1 पाया जाता है आपके ब्रेन में और CB2 पाया जाता है पेरिफेरली, ठीक, ये दो रिसेप्टर्स आपके पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। और दोनों ही रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, दोनों ही रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में यूफोरियटिक और ड्रीम लाइक इफेक्ट लाने के लिए होते हैं, ठीक है। आपका जो CB2 है वो पेरिफेरली आपकी बॉडी को क्या करता है, पूरी तरीके से रिलैक्स्ड, ठीक, व्हेनेवर इट इज जस्ट ऑक्यूपाइड विद द हेल्प ऑफ मारिजुआना और टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड और लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलमाइड, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में जब भी वो क्या ऑक्यूपाई होने वाला है तो आपकी बॉडी में एक यूफोरियटिक इफेक्ट आने वाला है, मतलब आपका बॉडी पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाना है और आप यूफोरियटिक इफेक्ट और ड्रीम लाइक कंडीशन में जा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो CB1 है ये पाया जाता है आपके ब्रेन में, ये भी ऑक्यूपाई होता है आपके इन हेलुसिनोजन्स लाइक लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलमाइड और टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड।